हाँ जी दोस्तों, वैंकूवर कनक्स जितते थे हॉकी नाइट इन कनाडा पंजाबी थे तो हूँ आ गया सैटरडे राउंड टेबल सैगमेंट जिथे काफ़ी धूमधाम के नाल इस वीकेंड टोरंटो च मना जा रहे हैं हॉकी की दुनिया जी। खास करके जो असी देखते हैं हॉल ऑफ फेम इंडक्शंस हो रहे हैं कुछ दिनों के बड़ी वधिया क्लास है इस साल। हाँ जी, तो दाखिल किए गए डैनियल सरीन, हेनरिक सरीन, रोबर्टो लुआंगो वैनकूवर कनक्स के खिडारी, होर कई खिडारी नाल, पर जिहड़े कनक्स के खिडारी हरमन प्यारे वैनकूवर कनक्स के दो जोड़े भरा जिन्हां ने हज़ार हज़ार पॉइंट इकहत्तर किए, इस पद्धर के हकदार भी है डैनियल और हेनरिक सरीन, तो नाल दी नाल रणदीप रोबर्टो लुआंगो जो कि गोलची इन्हों का कप्तान भी रहा। 60 साल बाद एन एच एल की दुनिया कोई गोलची कप्तान बनिया, तो चेता रखना गोल्ड मैडल जेतू भी है। स्टैनली कप फाइनल तक भी ये तीन खिडारी पहुंचे सी, उत्ते कहानी अधूरी रहेगी, पर कमाल का किता ते कमाल कर दी एन एच एल की दुनिया के बनता भी इन्होंने दोनों तिना का सगा इतने हॉल ऑफ फेम तक पहुँचने का। तो एक होर खिलाड़ी डैनियल एल्फ्रेडसन ओटावा सेनेटर्स का कप्तान रहा, 17 सीजन खेडिया उन्होंने नाल, एक सीजन उन्होंने बाहर खेडना पाया, पर 444 गोल, 713 असिस्ट, 1150 तो वध पॉइंट किए। इन्हें 5 साल हो गए आ इंतजार करते हैं कि मैं कदों पहुँचूंगा हॉल ऑफ फेम तक, हूँ मसी पहुँचा। खॉलडर इनाम भी इन्हें 1996 जितया सगा, सो बड़ी खुशी वाली खबर हैगी डैनियल एल्फ्रेडसन लई भी। हाँ जी, जिहड़े तुसी नाल उहदे नाल रिका सैलनिन भी हैगी, ते नाल दे नाल एक होर खिडारी बिल्डर कैटेगोरी जो कि पाइनियर हर्ब कार्नेगी। तो हर्ब कार्नेगी की जे तुसी कहानी नहीं जानते, ये 10 साल खेडे सी QPHL, ये हैगे पाइनियर द ट्रेल ब्लेजर, इस करके ब्लैक कैनेडियन खिडारी सी जिहड़ा NHL च नहीं खेडन दिता सी इन्हां दे रेस कारण। तो उस जमाने की असं जो गलबात करते हैं क्वेबेक एसिस से, यह जॉन बेलवो ने नाल खेडते होंगे, तो बेलवो ने आप कहा कि इन्ना कमाल का खिडारी इन NHL च खेडना चाहिए सी, तां नहीं खेडन दिता सी। विली ओरी जो आप हॉल ऑफ फेम दे विच, उन्हां ने आप कहा अपनी बुक दे विच, तां उदां भी आम कहिंदे रहिंदे अज तक इंटरव्यूज़ दे विच, कहिंदे सब तो वधिया खिडारी उन्होंने अपनी लाइफ च देखिया हर्ब कार्नेगी। सो उन्हां दी डैथ हो गई है, पर वो साढ़े नाल इत्थे है नहीं है, पर बर्नीस कार्नेगी उन्होंने जिहड़ी डॉटर आ, जिहना दी उन्होंने लड़की आ, वो शामिल होणगे हॉल ऑफ फेम इंडक्शन। सो ये बहुत वधिया गल आ जो कि इन्हां नूं हुण हॉल ऑफ फेम च पाई जाना जी, तो असी बहुत वधिया गल है बाकी कम्यूनिटीज़ ले भी। चलो हूँ असी अगले साल बारे भी गल कर लिए, झाती मारते अगले साल 2023 के हॉल ऑफ फेम क्लास से की हो सकता, जाने पछाने ना। तो देख लो जी, हेनरिक लंगक्विस्ट जो कि 5 साल ऑल स्टार का दर्जा इनू मिलिया, स्टैनली कप फाइनल तक भी पहुंचे, कमाल के आंकड़े, इनू हुण हॉल ऑफ फेम दे विच भी गिणिया जाना रणदीप, ये दाखिल हो सकता किसी भी टाइम। कोरी क्रॉफर्ड दो वारी स्टैनली कप जेतू, जस्टिन विलियम्स भी खिडारी जिसनू मिस्टर गेम 7 जिहड़ा मन्निया जांदा, कमाल के आंकड़े ये प्लेऑफ्स दे विच। सो ये कई खिडारी हैगे आ, जे बोमीस्टर जिहदी फोटो नहीं लई, वह भी जा रहा हॉल ऑफ फेम दे विच किस समय जा सकता। सो ये कुछ नाम है गया। एक खिलाड़ी वो सी जिहड़े पहली बार एलिजिबल होणगे अगले साल, पर होर कई खिलाड़ी आ जिहड़े काफ़ी चिर तो इंतजार कर रहे हैं, एलिजिबिलिटी उन्हां दी काफ़ी चिर ते चलदी आ रही है। सो उन्हां दे भी नां आपां थोड़े जिहे देखिए, जिहड़े खास करके उस लिस्ट विचों खिलाड़ी हैगे आपां कह सकदे एलेक्जेंडर मैगिलनी, हेनरिक ज़ेटरबर्ग, रॉड ब्रिंडमोर, ये जिहड़े खिलाड़ी आ मेरे हिसाब नाल इन्हां तिन्नां नूं होणा चाहीदा है हॉल ऑफ फेम दे विच। सो अगले साल देखना पवेगा इन्हां दे नां शामिल हुंदे आ कि नहीं। तो होर बहुत वड्डा लिस्ट हैगा, थियो फ्लरी, पियर टर्जन, जेरमी रोनिक, तो होर बहुत सारे खिलाड़ी जिहड़े आ सकते हैं। मैनूं यह नहीं समझ हैगी एलेक्जेंडर मैगिलनी हाले हॉल ऑफ फेम च किदां नहीं पहुंचिया, अगले साल शायद उहदा मौका होवेगा, पर मेरी गल सुण हाले नहीं, मैं कहना जी उह ठहर के शो च करांगे, पर गल जारी रखदे आ। इस वेले हुण अस इंटरनेशनल हॉकी बारे गल करनी, इंटरनेशनल हॉकी 9 सालों से सिर्फ एक वर्ल्ड कप होया, तो हूँ एक होर वधी डिले कर दिता वे। हाँ जी, 2024 होना सी, हूँ ज सब तो पहला हो सकता 2025 होगा, वो तो पहला नहीं रणदीप। तो ये जरा रशिया दे जंग चल रही है यूक्रेन दे विच, उहदे कारण कह रहे हैं कि असी नहीं अजे करना, वाद वधा दी हैगा कि रशिया ने हिस्सा लेना जे नहीं, उन्होंने किस तरह की जर्सियां पाउणियां, उन्हां दा नाम नहीं लिया जाना, कई चीज़ां हो रही, पर कहने तो भाव के हजे कोई टूरनामेंट है नहीं। तो बड़ी माड़ी गल है कि इन्ने साल सिर्फ 3 वारी होया है वर्ल्ड कप, बहुत माड़ी खबर है हॉकी लई, दुनिया के जिहड़ी हॉकी इन्नी मशहूर खेड आ एक मजाक बन चुका, तुसीं कह सकदे जिहड़ा वर्ल्ड कप हॉकी आ होना चाहिए है किसी ना किसी तरह। देखो जी, कॉनर मैकडेविड क्रॉसबी दे नाल नहीं खेडिया, नहीं
ਮਿਕਡੇਵਿਡ ਮਖੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ, ਟੀਮ ਯੂ ਐੱਸ ਏ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਿਤਾਰੇ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡੇ। ਸੋ ਇਹ ਓਲੰਪਿਕਸ ਹੋਵੇ, ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਬੈਸਟ ਔਨ ਬੈਸਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸੈਗਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦੂਸਰੀ ਗੇਮ 'ਚ, ਪਰ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਮੇਪਲ ਲੀਫਸ ਹਾਰ ਰਹੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕਨਕਸ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੀਏ ਦੂਸਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ।